हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल इन लेट्स क्रैक नीट एंड एन टी चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन टी एस स्टेज टू का क्वेश्चन पेपर जो अभी 24 अक्टूबर 2021 का हुआ है और इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें जो काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बार के पेपर के लिए जो स्टेज वन होना है अभी जनवरी मंथ में सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है ये क्वेश्चन जो है कंसर्न है रिगार्डिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी फंक्शनिंग से चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी एंड वी हैव टू चूज कि इसमें से कौन सा जो है ट्रू सेट है जो रिप्रेजेंट करता है मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में सो लेट स्टार्ट तो क्या कहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन पी एम फॉर्म्स दी बाउंड्री ऑफ दी लंग सेल्स ठीक है बाउंड्री बनाता है सो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो हमें चूज करनी है सो so, ए ऑप्शन क्या कहता है कि पी एम इज़ द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन देखिए क्वेश्चन का जो ट्रिकी पॉइंट वो यहीं छिपा हुआ है कहता है कि तो पी एम में वो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिकॉज वी नो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर कैसी है सेलेक्टिवली परबल है इट इज़ नॉट सेमी परमीएबल सो प्लाज्मा मेमोरी ने सेलेक्टिवली परमिएबल और यहाँ पर दिया है सेमी परमिएबल इट मीन्स ए ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग ए गलत है अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व को क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना आगे पढ़े देखिए कैसे इसने कहा कि द ए इज़ एब्सेंट ए इज गलत है तो ए कहाँ जहाँ जहाँ पे ए प्रेजेंट हो गलत हो जाएगा तो ए यहाँ पे है तो ये भी रिमूव ए यहाँ है तो ये भी और ए यहाँ है तो ये भी सो ऐसे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों ही आउट हो गए तो क्या बच गया बी सी एंड टी सो द राइट ऑप्शन शुड बी बी सी एंड डी बट लेट सीट द मोर ऑप्शंस और अभी ऑप्शन जो है क्या क्या हम उनको और पढ़ लेते हैं कहता कि है कि वाटर मूव्स अक्रॉस द पी एम बायोसमोसिस बिल्कुल ठीक है की वाटर जो है उसमो के थ्रू मूव करता है ओ टू एंड सी ओ टू कैन क्रॉस दी पी एम बाई डिफ्यूजन बिल्कुल ठीक है विनो की जो गैसेज हैं डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को और लास्ट पॉइंट जो डी कहता है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस कैन पास देम बाय द डिफ्यूजन ये भी बिल्कुल ठीक है ठीक है सो बी सी एंड डी ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है जबकि जो ए है बिल्कुल गलत है So, बिल्कुल जो हमने चूज किया था पहले ऑप्शन बी सी एंड डी यही जो है तीनों स्टेटमेंट जो है वो आ, सही है रिगार्डिंग दी आ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता कि यू सेल्स कंटेन सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड सेव सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनालिज बिल्कुल ठीक बात अभी कि जितने भी यू सेल्स होते हैं दे कंटेन टीनी कंपार्टमेंट्स ऑल द यू करियोर्स कंटेन टीनी कम्पार्टमेंट्स और उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गनलीज चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्गी बॉडीज़ है और ई आर है लाइसोजोम्स है दीज ऑल आर दी सेल ऑर्गेलीज सो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बात करते हैं तो वैक्यूल इज़ वन सच ऑर्गेली जो वैक्यूल है वो जो है ऐसा सॉल अग्नि है जो मिलता है बोथ एनिमल एंड द प्लांट सेल्स तो आपको बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है फिर से जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ये भी है लेट्स रीड द ऑप्शन ए स्टेटमेंट कहता है कि कंटेन सेल सेप की जो है सेल सेप होता बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वन थिंग आपको पता है कि जो प्लांट वैक्यूल है और जो एनिमल्स का वैक्यूल है प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं पहली बात दे आर लार्जर बट इन केस ऑफ द एनिमल वैक्यूल एनिमल्स में या तो वैक्यूल दे मस्ट बी एब्सेंट या तो वो जो है वो एबसेंट हो सकते हैं या वो छोटे होते हैं इन केस ऑफ द एनिमल ये चीज़ याद रखनी है और इसी पॉइंट के भी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा इन केस ऑफ द प्लांट वैक्यूल्स आर लार्जर बाई इन केस ऑफ द एनिमल वैक्यूल्स आर एब्सेंट और मे बी इफ दे आर प्रेजेंट दे मस्ट बी स्मॉलर इन साइज ठीक है तो एक कहता है कि कंटेन सेल्स बिल्कुल ठीक बात इसमें जो है सेल्स प्रेजेंट होता है नेक्स्ट कहता है कि तो बी प्रोवाइड टर्जिडिटी टू दी प्लांट सेल ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि दे जो है टर्जिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड देने करने का जो है काम करते हैं वो नेक्स्ट सी द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर देन एनिमल सेल वैक्यूल ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये जो है कहीं कही ना कहीं गलत है कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स हैं दे आर स्मॉलर ऐसा नहीं होता है जो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स हैं दे आर लार्जर इन केस ऑफ एनिमल सेल वैक्यूल्स आर आर स्मॉलर और मे बी एबसेंट तो सी ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग ठीक है डी uh, totally कहता है कि द वैक्यूल्स स्टोर टोर अमाइनो एसिड शुगर्स एंड कंटेन प्रोटीन्स ओके दिस इज ऑल्सो ट्रू सो द ऑप्शन नंबर दो स्टेटमेंट्स हैं ए बी डी ये ठीक है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट ए बी डी यहाँ पर नहीं है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर नहीं है सो ओनली इन केस ऑफ द थर्ड ऑप्शन वी हैव ए बी एंड डी ये भी हो गया यह चाहते तो हम पहले चूज़ कर सकते थे कि जहाँ जहाँ पे सी अवेलेबल है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा तो यू कैन सी यहाँ पे सी है तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ सी अवेलेबल है यहाँ सी है तो ये भी नहीं है यहाँ है तो ये भी नहीं है सो विल चूज़ ओनली द थर्ड ऑप्शन दैट इज़ ए बी एंड डी थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग दैक्यूल ऑफ द्लांट चलिए लेटी द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो है वो कार्डिक मसल्स के रिगार्डिंग है कहता है कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो कभी थकती नहीं है वीनो okay. you know, कि भाई जिन मसल्स जो भी कोई मसल सेल है या सेल है ठीक है अगर वो थक नहीं रही इसका मतलब उसको जो है लगातार ए टी पी की सप्लाई हो रही है क्योंकि एनर्जी अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वहाँ पे जो है फटीक नहीं होगा ठीक है सो इट्स वेरी ओब्वियस दैट प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर इन केस ऑफ द कार्डिक मसल्स जिसकी वजह से जो है हमारे दिल की जो सेल्स हैं जो हार्ट मसल्स हैं दे नेवर गेट टायर्ड एंड दे वर्क कॉन्टिन्यूसली सो फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो रिलेटेड है ग्राफ्टिंग से ग्राफ्टिंग जो है जब कभी भी हमें हाइब्रिड बनाना होता है ठीक है तो उस केस में हम लोग जो है ग्राफ्टिंग को इस्तेमाल करते हैं ग्राफ्टिंग में से रिलेटिंग दो चीज़ें होती हैं एक होता तो स्टॉक एंड अनदर इज सी ऑन सो स्टोक एंड सीओन आर द पार्ट ऑफ द ग्राफ्टिंग और जब कभी भी हम दो डिफरेंट प्लांट्स को एक साथ लेके आना चाहते हैं उनको जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उनका बच्चा वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर बंडल्स और वो भी दैट इज़ ओपन ओपन मीन्स प्रजेंस ऑफ कैम्बियम केम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है देट शुड बी प्रजेंट देर अगर कैम्बियम नहीं है तो कभी भी जो है वहाँ पर आपकी ग्राफ्टिंग जो है दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल सो कैम्बियम शुड भी देयर एंड ओपन का मतलब यही है कि कैम्बियम वहाँ प्रेजेंट है कई बार जो है वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज ऑल्सो क्लोज जहाँ पे होगा वहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा यू हैव जाइलम एंड द फ्लोइम देर विल बी नो कैम्बियम तो कैम्बियम नहीं होगा तो अगेन देर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ और जो है uh, ग्राफ्टिंग विल नॉट बी देयर सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शनुटली राइट प्रेजेंस ऑफ ओपन वेस्कुलर बंडल्स मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम कैमेम इज नेसेरी फॉर दी ग्राफ्टिंग प्रोसेस बाकी सभी जो है वो गलत हैं चाहे है वो सेकेंड ऑप्शन है थर्ड या फोर्थ है सो फर्स्ट इज द राइट राइट आंसर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन जो है प्लांट टिश्यू से बिलोंग करता है इस बार जो है बात की जा रही है कि द वी हैव पेरन कायमा कोलनकाइमा एंडन काइमा आर द काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कोलन कायमा कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कोलन कायमा के लिए बिल्कुल सही है सो so, विनो की कोलन काइमल सेल्स जो होते हैं दे आर लिविंग पहली बात तो वो लिविंग होते हैं दे आर नॉट डेड लिविंग में जो पैरन काइमल सेल्स हैं पेरन कायमा एज वेल एज कोलन कायमा बोथ आर लिविंग ओनली स्क्लेरन कायमा इज डेड ओनली स्केरन कायमा इज डेड सो फर्स्ट जो ए स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि मेड अप डेड सेल नहीं है सिर्फ स्केलेरन कायमा के सेल्स होते हैं दे आर डेड पेरन काइमल सेल्स एंड द कोलनकाइमल सेल्स आर लिविंग सेल्स एंड द कोलन कायमा सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेरन कायमा सेकेंड इज बी हैव वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस हाँ बिल्कुल उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, होता भी तो बहुत थोड़ा होता है ठीक है ये भी जो है बिल्कुल ठीक है सी कहता है कि सेल्स आर इरेगुलरली थिकनड एट कॉर्नर्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो सेल्स होते हैं उनके कॉर्नर पे जो है सेलुलोज और पैक्टीन जो है वो डिपोजिट होता है ठीक है दैट्स वाई दे आर थिकन एट कॉर्नर्स जस्ट लाइक दिस एज लेट्स सपोज तो ये जो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं जो कॉर्नर्स So these corners are thickened due to the deposition of the cellulose and the pectin. So that's why uh, this statement is true. The cells are irregularly packed and uh, thickened at the corners. So B and C is true. A is false. D again, uh, cell wall cell wall contains lignin. Again, if the cells are living, then they do not contain. लिग्न एज अ लिग्न इज अमेंटिंग मटीरियल ठीक है सो लिग्न इज प्रजेंट इन द कलेन कायमा नॉट इन द कोलन कायमा सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स सो नाउ यू कैन चूज दैट देर इज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जहाँ पे जो है बी एंड सी ओनली जो बी और सी स्टेटमेंट है यही जो है सिर्फ ठीक है और जो है बाकी गलत है दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग सो फिफ्थ का जो है सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी कोलन काइमल हैव अ वेरी लेटर इंटरसेलर स्पेस एंड द सेल्स आर इरेगुलरली थिकन एट दॉर्नर्स डेड नहीं होते हैं और लिगनिन भी प्रेजेंट नहीं होता है चलिए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है अगेन बिलोंग टू द डायसिटी ऑफ द प्लांट से है सो so, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स की द ट्रीज ऑफ द जीनस पाइनस आर प्लेस्ड इन हायर ग्रुप्स

मार्शिलिया बिलोंग टू दी टेरिडोफाइटा सो एज वी नो द जिम्नोसफॉम्स आर द फर्स्ट प्लांट दैट फॉर्म्स सीड इन द्लांट किंगडम ठीक है जबकि जो एलगीज हैं ब्रायोफाइट्स हैं एंड टेरेडोफाइट्स हैं उनके पास कुछ भी नहीं है ना ही फ्लार है ना ही फ्रूट है और ना ही सीड है ठीक है जबकि जिम्नोसपॉम्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने पूरे प्लांट किंगडम में सबसे पहली बार क्या बनाया सीड बनाया है फ्लावर का तो चांस ही नहीं है ठीक है सो द सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे एज वी कैन सी कि जो पाइनस एंड साइकस बोथ बिलोंग टू द जिमनोसपॉम एंड अ अफॉर्म्ड सीड इन द फर्स्ट एज द होल प्लांट किंगडम सो जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है प्रेजेंस ऑफ सीड के कंपैरिज़न में जो पाइनस है दैट इज एडवांसर कंपेयर टू मार्शिलिया इसीलिए जो है उसको हायर ग्रुप में रखा गया ठीक है तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन जो है क्वेश्चन नंबर सेवन जो है मैच करना हमें वी हैव थ्री कॉलम्स लाइक कॉलम ए कॉलम बी एंड दी कॉलम सी कॉलम ए में जो है कुछ मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी बी में हमारे पास जो है ये कुछ आ, कुछ तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और कुछ दे आर समथिंग डिफरेंट उसके बाद सी में हमारे पास कुछ जो हैं एक्सीटरी ऑर्गन्स हैं और कुछ जो हैं अदर्स हैं तो लेट्स सी वन बाय वन किन का मीनिंग क्या है और उसके बाद जो है हम ऑप्शनस को मैच करेंगे सो कॉलम ए में जो है सबसे पहले वी हैव फेरेटिमा सो so, वी नो फेरेटिमा जो है फेरेटिमा पोस्थुमा ठीक है फेरेटिमा जो है दिस इज अर्थवम अर्थवम का जो है साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा ठीक है देन uh, वी हैव नेक्स्ट दैट इज पेलियोमोन पेलियोमोन जो है हम प्रॉन को कहते हैं प्रॉन या श्रिम्प कैन से जो पेलियोमोन है वो प्रॉन है यानी श्रिम्प जो झींगा है देन सी the हमारे पास जो दैट इज साइंटिफिक नेम है ये दैट इज़ पेल्केमेनियस ये जो है साइंटिफिक नेम से स्कॉर्पियन का ये जो साइंटिफिक नेम है ये है स्कॉर्पियन का स्कॉर्पियन यू नो बिच्छू जो जो है बल्कि मैन्यूज जो है दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द स्कॉर्पियन और जो डी ऑप्शन है पेरी दैट इज पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ये जो है कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है जो कॉकरोच है दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉकरोच सो ए में जो है फेरिटिमा दैट इज अर्थवम जो फेरिटिमा जीनस uh, है पोस्थमा स्पीशीज देन वी हैव पैलिमॉन जिसको जो है हम प्रॉन बोलते हैं देन वी हैव पैल्किमेनस स्कॉर्पियन बिच्छू है और द डी दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ठीक है उसके बाद जो कॉलम बी है इसमें दिया है बुक गिल्स ठीक है बुक गिल्स और जो बुक लंग्स हैं दीज आर दी रेस्परेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा ठीक है जो कहाँ मिलते हैं ये मिलते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर ठीक है जबकि जो कोलेट्रल ग्लैंड है ये भी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के जो मेम्बर्स है स्पेशली जो कॉकरोच है कॉकरोच में जो फीमेल कॉकरोच है ठीक है वो जो है कोलेट्रल जो ग्लैंड है वो हेल्प करता है ओथिकल केस बनाने में जो फीमेल जो है उथिकल केस जिसके अंदर जो है एक्स को स्टोर किया जाता है तो ऊथिका को ऊथिका जो केस है उसको बनाने में उसको उसकी जो कवरिंग को बनाने में जो हेल्प करता है कोलेक्ट्रिक लैंड सो इट इज़ फाउंड इन दी कॉकरोच वो स्पेशली जो है फीमेल कॉकरोच के अंदर जो है ये मिलता है ठीक uh, है देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज कैल्सी फेरस क्लैंड जो कैल्सी फेरस क्लैंड है दैट इज फाउंड इन दीशो ईसोफेगस ऑफ द अर्थ फॉर्म जो ईसोफेगस की जो ईसोफेगस अर्थवम की वहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका जो रोल है वो जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ये नेक्स्ट वो जो कॉलम सी है इसमें कॉक्सल ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड फाउंड एट द कॉक्सल पार्ट ऑफ द लेग ऑफ द इंसेक्ट्स उसके बाद जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड वन दट इज़ क्लोरागोगन सेल्स ये मिलता है अर्थ के अंदर जो क्लोरागोगन सेल है और ये जो एक्ट एज अ लीवर लीवर की तरह काम करता है ये जैसे एनालोगस है हमारे लीवर के ह्यूमन के और ग्लाइकोजन को स्टोर करने में हेल्प करता है जो क्लोरागोगन सेल्स है एक्ट लाइक अ लीवर सेल एंड हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन ठीक है वाइल द ग्रीन ग्लैंड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन अगेन फाउंड इन द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड दिस इज द यूनिकोज नहीं है ये दिस इज द यूरिकोज दी यूरिकोज ग्लैंड यू आर आई सी एस सी ओ एस यूरिकोज ग्लैंड दैट इज हेल्प इन स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड जो हेल्प करता है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड इनकेस ऑफ मेल कॉकरोच मेल कॉकरोच के अंदर यूरिक एसिड को स्टोर करने में हेल्प करता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कि ये कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं और इनका जो है मीनिंग है अब जब इतना करने के बाद ना वी ट्राई टू मैच दीज ऑप्शन तो ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं एक्जैक्टली exactly जो ऑप्शन है कहीं किसी भी चाहे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं पर ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे है, तो ऑप्शन में कहीं कहीं गलती है डेफिनेटली जिस बच्चे ने भी इसको अटैम्प्ट किया बोनस मार्क्स विल बी देर ठीक है बट वी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिज क्वेश्चन ठीक है चलिए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट जो है क्या कहता है कि व्हाट विल हैपन टू सेल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इफ दे आर प्लेस्ड इन अ प्योरीफाइड वाटर कि अगर अब जो है साइनोबैक्टीरिया है उस साइनोबैक्टीरिया को जो हम प्योर वाटर में रख देते हैं तो क्या होगा क्या वो जो है वो फूल जाएंगे और फट जाएंगे सिकुड़ जाएंगे श्रिंक हो जाएंगे दे विल स्वेल बट नॉट बस्ट एंड दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ चेंज तो कोई चेंज नहीं आएगा एज वी नो कि लेट सपोज ये आपने सेल रख दिया ये जो है प्योरिफाइड वाटर है ऑलवेज वाटर मूव फ्रॉम ऑलवेज वाटर मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर वाटर मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन सो so, जैसे ही साइनोबैक्टीरिया को हम प्यूरिफाइड वाटर में रखेंगे इट मीन्स द वाटर एक्ट एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन और जो सेल है दैट विल एक्ट एज हाइपोटॉनिक सो वाटर विल गेट इन साइड द बैक्टीरिया वाटर जो है उस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा बट दैट विल नॉट बर्स्ट बिकॉज वी नो द बैक्टीरिया हैव सेल वॉल बैक्टीरियाज के पास जो है सेल वॉल की कवरिंग है तो सेल वॉल जो है उसको बस्ट नहीं होने देगी सो दर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन स्वेल वो फूल जाएंगे बट विल नॉट बस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग सेकेंड अगेन थर्ड एंड दिस वन थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन द सेल विल स्वेल बट नॉट बस्ट चलिए लेट सी द नेक्स्ट नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर नाइन सो द क्वेश्चन नंबर नाइन जो है दैट बिलोंग टू दी जेनेटिक्स और यहाँ पे जो है एक पेडिग्री जो है दिया हुआ है पेडिग्री जो है इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स सो तो यहाँ पर मैंशन किया है कि ये जो डिसऑर्डर है रिप्रेजेंटिंग दी ऑटोजोमल डिसऑर्डर ठीक है और जो है हार्टिंगटंस डिजीज़ है तो ऑटोजोमल डिसडर्स में क्या होता है कि अगर एक भी जो अलील है उसमें अगर प्रॉब्लम है म्यूटेशन है तो जो जो पर्सन है दैट विल बी सफ़र फ्रॉम द पर्टिकुलर डिज़ीज़ दैट विल बी सफ़र फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़ तो अगर कोई होमोजाइगस रिसेसिव है होमोजाइगस रेसेसिव है तो दैट पर्सन विल बी नॉर्मल दैट पर्सन विल बी नॉर्मल बट अगर एक भी अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये तो सफ़रर होगा डेफिनेटली और अगर एक भी अलील में प्रॉब्लम है यानी कैपिटल एच स्मॉल एच है इट मीनस इट विल आल्सो बी सफरर सो दिस इज़ द जीनो टाइप ऑफ द इंडिविजुअल इफ़ देर इज होमोजाइगस रिसेसिव द इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल इफ देर इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल एच कैपिटल एच दैट विल बी सफरर इफ़ देर इज़ कैपिटल एच एंड स्मॉल द पर्सन विल बी ऑल्सो सफरर ठीक है क्योंकि डोमिनेंट के केस में अगर सिंगल अलील में भी प्रॉब्लम है तो देर बी डिजीज सो लेट सी द क्वेश्चन की क्या दिया इसने ये कहता है कि अटिंगटस डिजीज इन ऑटोजोमल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द मूवमेंट कोगनेटिव एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर कि अगर कोई पर्सन जो जैसे सफर करता है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम है उसको जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं सो स्टडी द गिवन पेडिग्री एंड आइडेंटिफाई दी जीनो टाइप ऑफ सेकेंड थर्ड एंड सेकेंड फोर तो ये रहा सेकेंड और ये रहा सेकेंड का थर्ड और ये रहा सेकेंड का फोर तो इसका जो जीनो टाइप जो है हमें पता करना है किसका इसका जीनो टाइप जो है वो क्या होगा सो so, ये जो है पेरेंट्स हैं तो एक जो पेरेंट है उसके पास जो है उसका जीनो टाइप कैसा है कैपिटल एच कैपिटल एच और स्मॉल एच है जबकि एक जो पेरेंट्स हैं दैट इज नॉर्मल स्मॉल एच स्मॉल एच एज है कैन सी तो कि अगर फोर्थ नंबर बिल्कुल नॉर्मल है इट मीन्स जो थर्ड का फोर है उसका जीरो टाइप स्मॉल एच स्मॉल एच होना चाहिए तभी वो नॉर्मल होगा ठीक है सो एज यू कैन सी कि सेकेंड का जो फोर है सेकेंड का फोर जो है वो स्मॉल एच स्मॉल एच जो है सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल है इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता सेकेंड फोर्थ ऑप्शन को आप बाहर कर सकते हो आसानी से ठीक है अब आ गया सेकेंड का थर्ड अब सेकेंड का थर्ड जो है ये पता लगाना है कि या तो ये कैपिटल एच कैपिटल एच हो सकता है या फिर हो सकता है कैपिटल एंड स्मॉल एच दोनों ही चांस है कैपिटल एच कैपिटल एच तो होमोजाइगस जो डोमिनेंट हो गया और ये आपका जो है वो हैट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया कैपिटल एच एंड स्मॉल एच सो ये चेक करने के लिए नीचे वाला जो थर्ड जनरेशन है इसको देखना पड़ेगा देखिए यहाँ पे ये जो इनका जो पेरेंट है जो बच्चा है जो फीमेल है ये नॉर्मल है जबकि ये जो सन है ये सफरर है ठीक है तो इफ़ वी टेक एज अ होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इन दैट केस इन दैट केस इनके जितने भी बच्चे होंगे सभी के सभी कैसे होंगे सफरर होंगे कैसे लेट ड्रॉ द पेडिग्री तब समझ में आएगा देखिए अगर जो है ये तो स्मॉल एच स्मॉल एच है अगर मैं इसको लेता हूँ कैपिटल एच कैपिटल एच तो अगर मैं इसकी पेडिग्री ड्रा कर लेता हूँ सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड स्मॉल एच स्मॉल एच कैपिटल एच कैपिटल सो अगेन कैपिटल स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच अगेन कैपिटल स्मॉल एच कैपिटल एच एंड स्मॉल एच इट मीन्स अगर दो सेकेंड का थर्ड है अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो इन दैट केस इनके जितने भी बच्चे होंगे सभी के सभी कैसे होंगे सफरर होंगे लेकिन यहाँ दिया है कि जो ये जो है वो कैसा है नॉर्मल है ठीक है इट मीनस कैपिटल एच एंड द कैपिटल एच इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर एंड वी विल चूज़ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच क्योंकि जब हम कैपिटल एच स्मॉल एच एच लेंगे तो देर विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस की जो है बच्चे जो है नॉर्मल हो जाए सो so, आपका जो है थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया देन वी हैव ओनली फर्स्ट ऑप्शन सेकंड का जो थर्ड है उसका जिनो टाइप है कैपिटल एच स्मॉल एच और सेकंड का जो फोर है दैट इज स्मॉल एच स्मॉल एच बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन अगेन जेनेटिक्स से है क्या कहता है कि वैन अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड एक जो है टॉल प्लांट है और जो हराउंड शीड है तो जीनो टाइप लिख लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर और क्रॉस किससे अ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल शीड तो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर ऑल ऑफ स्प्रिंग इन एफ जनरेशन वर टॉल प्लांट्स तो जो सभी जो है उनके ऑफ स्प्रिंग है, कैसे हैं टॉल हैं विद राउंड सीट है बिल्कुल ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं है तो कैसे हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी है और स्मॉल टी ऐसे ही कैपिटल टी और स्मॉल आर दिस इज द जीनो टाइप ऑफ दिंग ठीक है ये आ गया जीनो टाइप एफन ऑफ स्ट्रिंग का कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर क्योंकि उसने बोला है सभी जो है कैसे हैं टॉल हैं और राउंड है तो कैपिटल टी शुड भी देर एंड कैपिटल आर शुड भी देर सो so, क्या कहता है एज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट वॉट परसेंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग विल प्रोड्यूस रिंकल्ड सीड इफ एफ वन इज क्रॉस्ड विद टॉल प्लांट प्रोड्यूसिंग द रिंकल्ड सीड कहता है कि क्या परसेंटेज होगी अगर जो है हम क्रॉस करवाते हैं किसका एफ वन जो हाइब्रिड एफ वन जो है उसको क्रॉस कराया हमने टॉल प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड के साथ ठीक है तो ओबियस बात है कि जब भी आप इसको करवाओगे ठीक है तो पचास परसेंट जो है पचास परसेंट ऐसे होंगे जिनके डेफिनेटली पचास परसेंट ऐसे होंगे जिनके पास जो है क्या मिल जाएगा आपको देर विल हैव रिंकल शीट्स रिंकल शीट तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन कि जहाँ पे जो है पचास परसेंट ऐसे होंगे जिनके पास रिंकल शीट देखने को मिलेगा टेन का सवाल नहीं पैदा होता ट्वेंटी भी नहीं है और हंड्रेड भी नहीं होगा फिफ्टी फिफ्टी जो है रेशियो यहाँ पे चलता है बच्चे ठीक है सो ऑप्शन नंबर थर्ड इट इज़ फिफ्टी परसेंट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन इलेवन कहता है कि वट वुड हैपन टू द अर्थ इफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉज ऑप्शन फ्रॉम इट्स एटमोसफेयर कि अर्थ के साथ क्या होता अगर जो है सी ओ टू यहाँ पर एबसेंट होते है? सो फर्स्ट कहता है अर्थ वुड बी अ प्लीजेंट प्लेस ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है अभी कि बहुत ही ज़्यादा जो है शांति हो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड नॉट मेक एनी डिफ्रेंस ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई अर्थ वुड बी डिवॉइड ऑफ लाइफ ये स्टेटमेंट जो है कुछ ठीक लगता है कि भाई अर्थ के ऊपर लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज एज वी नो अगर सी ओ टू नहीं है तो प्लांट्स विल नॉट बी मेक देयर फूड अगर प्लांट्स अपना फूड नहीं बनाएंगे तो फिर एनिमल्स क्या खाएंगे? ठीक है सो थर्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट कि जो है अगर सी नहीं होता तो कभी भी जो है लाइफ हमें देखने को यहाँ so, पर नहीं मिलती सो ऑप्शन नंबर थर्ड लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है टेन परसेंट जो लॉ है उसके ऊपर बेस्ड है दैट वाज गिवन बाय दी लिंडमैन कि वन लैख जो किलो कैलरी जो एनर्जी है वो सनलाइट से अवेलेबल है ठीक है सो कहता है कि भाई जो टर्सरी कंज्यूमर है उसके पास कितनी जो है एनर्जी अवेलेबल होगी सो एज वी नो द फूड चेन की भाई हमारे पास सबसे पहले वी हैव प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन वी हैव टर्शरी कंज्यूमर ठीक है तो जो वन लैख जो किलो कैलरी जो एनर्जी है अवेलेबल कहाँ पे है सनलाइट की एनर्जी है ये ठीक है सो एज वी नो कि ओनली वन परसेंट जो एनर्जी है वही जो प्लांट जो है वो ट्रैप कर पाते हैं बाकी जो तो है जो है, है लॉस हो जाती है तो वन परसेंट इज़ अवेलेबल टू प्लांट ठीक है तो वन लैख का वन परसेंट अगर निकालते हैं देर विल बी थाउजेंट थाउजेंड किलो कैलरी एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर ठीक है यहाँ पे जो है और किसके लिए अवेलेबल है प्रोड्यूसर के लिए अब नाउ वी विल आ, पुट अ टेन परसेंट लो टू नेक्स्ट सो अगर प्रोड्यूसर के पास वन थाउजेंड किलो कैलरी है तो प्राइमरी जो जो कंज्यूमर है उसके पास कितना पहुँचेगा उसके पास होगा हंड्रेड कैलरी अगेन सेकेंडरी के पास कहाँ जाएगा टेन कैलरी और ट्रशरी के पास वन कैलरी ठीक है सो देर इज़ द फोर्थ ऑप्शन जो है वन किलो कैलरी एनर्जी विल बी अवेलेबल टू दी टर्सरी कंज्यूमर लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो थर्टीन जो है वो रिगार्डिंग है फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एनजिसम सो कहता है कि द पोलंग्रेन्स ऑफ द फ्रूटिंग प्लाट्स स्पीसीज आर डिपोजिटेड ऑन द फीमेल फ्लॉर बाई अ पोलीनेटर हाँ बिल्कुल ठीक है कि जो पोलीनेटर्स हैं वो पोलंग ग्रेन्स को फीमेल फ्लावर के पास लेके जाते हैं हावर द फीमेल फ्लॉर डज नॉट गेट फर्टिलाइज विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज ट्रू कहता कि अगर जो फीमेल फ्लॉर और फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इनमें से क्या हमें देखने को मिलेगा चलो so, पहले लेट्स अंडरस्टेंड द कंसेप्ट क्या कहता है एज वी नो की जब कभी भी पोलन ग्रेन स्टिगमा के ऊपर लैंड करते हैं तो वहां से जो है पोलन ट्यूब बनती है पोलन ट्यूब के अंदर जो है मेल न्यूक्लियाई होते हैं और वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट ओवरी इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट ओवरी जो है फ्रूट में होता है लेकिन उसके लिए जो है फर्टिलेशन जरूरी है और यहाँ कह रहा है कि जो फर्टिलेशन हुआ नहीं है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली सी बात है कि जो फ्रूट जो फ्रूट आपका बनेगा नहीं क्यों बिकॉज द ओवरी विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टू द फ्रूट सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जैक्टली ट्रू फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म्ड फ्रूट नहीं बनेगा सीड भी नहीं बनेगा बिल्कुल भी इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस ठीक है सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्रू द फ्रूट विल नॉट बी फॉर्मड नॉर्मल फ्रूट ये कोई नहीं है ये इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है गेट फ्रूट विल नॉट बी फाउंड सो ये जो है दीज आर दर्टीन क्वेश्चन जो अभी एंटी सिस्टेज टू में पूछे गए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन के साथ थैंक यू थैंक यू सो मच डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब